नाज़रीन, आप ये जो रोल्स राइस देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पहली रोल्स राइस है जो कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाई है। एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी? तकरीबन 5-6 किलोमीटर करती है एक लीटर में। बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है, जो इसकी लाइट्स हैं, इसका लोगो है, हर चीज़ जनाब पाकिस्तानी इंजीनियर ने तैयार की है। मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिसने इसको तैयार किया है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स किसी से कम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल बज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आप ये जो रोल्स राइस देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पहली रोल्स राइस है जो कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाई है। इसको बनाने में कितना खर्चा आया, कितनी देर में तैयार हुई, किस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया, इसका इंजन कितना है और इसकी असल कीमत क्या है, और भी बहुत से सवाल होंगे, आइए इसी के ओनर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा हम जो सब, हमें ये बताइए कि ये आपने गाड़ी कब खरीदी थी? ये ना खरीदी तो नहीं है, इधर से हम मॉडिफाई करवाई है। मेरे बड़े भाई का शौक था गाड़ी का, तो उन्होंने ये शौक से करवाई है। हमें पता चला है कि रेंट पे भी चलती है गाड़ी, इसका रेंट कितना होता है गाड़ी का? ये फंक्शन के हिसाब से होता है, इधर जो है लोकल एरिया में इसका 40,000 है, ठीक है, तो दूर के हिसाब से जिस तरह भी सफ़र हो उस हिसाब से इसका रेंट होता है। मतलब कि 40,000 रुपये इसका रेंट है, उसके अंदर पेट्रोल भी है या पेट्रोल के अलावा है? इतना ही है, ये जो है लोकल जो है, इधर अपने शहर में जो भी है। अपने शहर में आप इस टाइम ये गाड़ी वजीराबाद की है फॉर एग्जांपल, अगर वजीराबाद से बाहर जाना है तो वो पेट्रोल के पैसे अलहदा चार्ज होंगे, वो सफ़र के हिसाब से होगा। तो ये एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी? तकरीबन 5-6 किलोमीटर करती है एक लीटर में। पाँच या छः किलोमीटर चलती है, ये बड़े भाई का सपना था और शौक भी था, ठीक है, इस गाड़ी का, तो उन्होंने ये अपने शौक के लिए तैयार करवाई, बाद में इसकी डिमांड आने लगी रेंट के लिए, तो माशाल्लाह हमारा काम भी सही चल रहा है, ठीक है। ये तकरीबन 7-8 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, तो इसका जो वही बेनिफिट हमें आ रहा है। मतलब कि ये 7-8 करोड़ की तो ओरिजिनल है, लेकिन अब ये तो ऐसे ना पाकिस्तान में बनी हुई है, तो तब आपको कितने की पड़ी थी ये? मुझे तो इलम नहीं है कोई भी ऐसा, ये बड़े भाई को पता है कितने में पड़ी है या मैकेनिक को पता है। तो अब आपको गाड़ी का इनसाइड भी रिव्यू दिखाते हैं, आइए हमारे साथ चलते हैं। जी माशाल्लाह, बाहर से तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रही है कि जैसे बिल्कुल ओरिजिनल रोल्स रॉयस है, और इस गाड़ी को बनाने के लिए मार्क 2 को मॉडिफाई किया गया है, और अब इनसाइड भी आपको दिखाते हैं कि इनसाइड से कैसी है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इसकी जो आप ग्रिल देख रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है, जो इसकी लाइट्स हैं, इसका लोगो है, हर चीज़ जनाब पाकिस्तानी इंजीनियर ने तैयार की है। माशाल्लाह ये दरवाज़ा भी देखिए, इसके जो दरवाजे हैं ऐसे ही खुलते हैं जैसे ओरिजिनल रोल्स है इसके, जिसने भी तैयार की है बड़ी तसल्ली के साथ इसको तैयार किया हुआ है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ये तैयार हुई हुई है। आप ये भी देखिए कि दोनों दरवाजे इसके खुले हुए हैं जैसे ओरिजिनल खुलते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर थोड़ा सा यू नो कि जब ये पाकिस्तान में तैयार हुई है, लोकली असेंबल्ड हुई है, तो फिर जारी बात है वो इसकी फिनिशिंग नहीं है जो ओरिजिनल में होनी चाहिए, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल ओरिजिनल, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। अब इसका स्टेयरिंग देखिए, बहुत खूबसूरत स्टेयरिंग है इसका, जो चाबी के साथ ये स्टार्ट होती है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो रिमोट के साथ स्टार्ट होती है या पुश स्टार्ट है। तो जो इसका जो इंजन है वो मेरा ख्याल है, इन्होंने मुझे बताया कि 3000 सीसी है या 3500 सीसी इसका इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है इसका, 1 लीटर में तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर चलती है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, नो डाउट के पाकिस्तानी इंजीनियर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। ये पाकिस्तान की पहली रोल्स रॉयस जो कि पाकिस्तान में ही इसको बनाया गया, फिर उसके बाद अब कई जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको तैयार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके टायर देखिए, लेकिन टायर जो हैं इसके आपको दिखाता चलूँ, ओरिजिनल नहीं है जो रोल्स रॉयस के होते हैं, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट ये जैसे है, इसके टायर हैं बहुत खूबसूरत हैं। आप इसकी बैक देखें, माशाल्लाह बैक भी इसकी बहुत खूबसूरत है। यार किसी भी तरफ से इंजीनियर्स ने इसको कोई कसर नहीं छोड़ी गई यार, ये के 2 नंबर लगे। अब आप देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इसको गाड़ी को तैयार किया गया, तो मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिसने इसको तैयार किया है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स किसी से कम नहीं है, अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो ये सारा कुछ बना सकते हैं जो कि दूसरे ममालिक में भी बनाया जा रहा है। तो अब आप देखें माशाल्लाह, मुझे तो बड़ी पसंद आई है, आपको कैसी लगी आपने भी बताना है।
और पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनको हौसला अफजाई मिल सके और उनको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।